थाना प्रभारी के सामने 4-5 गो स्टाफ था, वर्दी में था, उसी के सामने वो आशा देवी है, बुलाती है आदमी, 10 गो लौंडा बुलाता है, वो 2 नंबर की औरत है, हम लोग को बहुत दिक्कत करता है, मारता है हमको, छाता पर से ईंटा बिक दिया है, बच्चा सोया हुआ था घर में, बच गया भाग से, जोगिंदर नाम के डॉन है, किरी के भाई, उसी पर कुत्ता है, वो जोगिंद्र हमको मारा है सब आदमी के मिल के, उसी पर उसी के ताकत पर आया था, किरी ज्यादा मसौड़िए के डॉन है, कि हम गरीब हैं तो हमको नहीं जीने देगा, हाँ पुलिस के सामने मारा है, सास हमको अभी इमरजेंसी में है, पीएमसीएच में है, उनको जीने का कोई अथि नहीं है, सांस चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज, ब्रजेश कुमार के साथ। मसौरी से घिनौनी हरकत सामने आ रही है कि जहां पे प्रशासन के सामने आम जनता को पीटा जा रहा है। किस लिए पीटा जा रहा है और क्यों? क्योंकि जब थाना में जाती है महिला पीड़िता अपनी शिकायत लेकर के, थाना प्रभारी महोदय उनको भगा देते हैं। क्यों भगाते हैं हम इनसे जानेंगे, और क्या कुछ मामला है पूरी विस्तार से हम इनसे जानकारी लेंगे। क्या कुछ मामला हुआ था? हम लोगों को थाना प्रभारी के सामने 4-5 गो स्टाफ था, वर्दी में था, उसी के सामने वो आशा देवी है, बुलाती है आदमी, 10 गो लौंडा बुलाता है, वो 2 नंबर की औरत है, हम लोग को बहुत दिक्कत करता है, मारता है हमको, छाता पर से ईंटा बिक दिया है, बच्चा सोया हुआ था घर में, बच गया भाग से, जोगिंदर नाम के डॉन है, किरी के भाई, उसी पर कुत्ता है, वो जोगिंदर हमको मारा है सब आदमी के मिल के, उसी पर उसी के ताकत पर वो आया था, आया के मारा है जोगिंद्रो। अच्छा, किरी यादव कौन है? किरी यादव मसौड़िए के डॉन है, उसी पर वो आशा देवी 2 नंबर की औरत है, उसको पूरा मसौड़ी पहचानता है। पहले से कोई आपसी विवाद था? नहीं, हमको आपसी विवाद उससे नहीं है। तो क्यों मारा आपको? अरे छाता है, मान लिया हम गरीब हैं तो हमको नहीं जीने देगा, वो पटा रहा था, हम रात में सोए हुए, हमको करकट का मकान है, उसमें पानी हिल गया, हम बोले तो वो और ईंटा फेंक दिया, बच्चा सोया हुआ था, तो गरीब को आदमी नहीं जीने देगा। कितने आदमी लोग आया था मारने के लिए? 10 आदमी आया था, और पुलिस आया, पुलिस को हम दिखाने गए, तब तक मेरे सास को मार के बेहोश कर दिया है। पुलिस के सामने मारा था? हाँ, पुलिस के सामने मारा है, सास हमको अभी इमरजेंसी में है। अच्छा, पीएमसीएच में? हाँ, पीएमसीएच में है, उनको जीने का कोई अथि नहीं है, सांस चल रहा है। थाना में गए तो क्या मामला? थाना में नहीं, केस ले रहा है, वो डॉन है जोगिंदर, इसी के चलते थाना में केस नहीं ले रहा है। थाना प्रभारी क्या कहता है? थाना प्रभारी रिपोर्ट अथी लेवे नहीं कर रहा है, बोल रहा है कि चलिए मैनेज कर लीजिए, हम लोग तो गरीब है तो हम लोग ऐसे मारते रहेगा कोई आके? कौन बोलता है कि मैनेज कर लेंगे? थाना प्रभारी बोलता है कि छोड़ दीजिए, मैनेज कर दीजिए, का कीजिएगा? मसौरी के थाना प्रभारी? हाँ। आप कौन है? बेटा है उनका, चमेली देवी का। अच्छा, क्या हुआ था पूरा मामला? वो ऊपर से अथी बोले कि पानी नहीं गिराबो, तो ऊपर से ईंटा पत्थर बिगना शुरू कर दिया, और पुलिस को बुला लिया, जब पुलिस को दिखाने गए कि देखिए ऐसे ऐसे बच्चा सोया हुआ था, तो नीचे मेरी माँ थी, तो उसको 4-5 लोग ने पूरी तरह से मारा, पुलिस वहाँ पर 2 था घर के एकदम गेट पर, वहीं पर मारा पुलिस के सामने। पुलिस के सामने मारा है, आप कौन है? हम उसका बड़ा बेटा हुए। क्या हुआ था पूरा मामला, सच्चाई बताइए। पूरा सच्चाई मामला मैं बताऊंगा कि मेरा छत पर पानी गिराया, मना करने के बावजूद भी नहीं माने, और जबरन जो ईंटा बिक कर करकट को फोड़ दिया गया, और बार बार इन लोग कौन बिका था? आशा देवी, पति बिंदेश्वरी प्रसाद, जो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षिका है, और अत्याचार इतना जुल्म कर रही है कि बार बार हम लोग को धमकाया जा रहा है, कभी भी मर्डर करवा सकती है, और वह जो महिला है बिल्कुल 2 नंबर का महिला है, पूरा इलाका जानता है उसके बारे में, और माननीय मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री जिसे यही मैं अपील करना चाहता हूँ कि इस केस को CBI के तहत जांच होनी चाहिए, और कभी भी मर्डर कर सकता है, और जोगेंद्र प्रसाद, पिता स्वर्गीय जय प्रसाद, इन लोगों ने आकर मेरा दरवाजा पर माँ को पिटवाया है। अच्छा, किरी यादव अपने वर्तमान में क्या है वहाँ पे? जिला परिषद है? जी हाँ, जिला परिषद है। जी हाँ। क्या बोल रहे हैं कि उनको नौकरी फॉल्स है? हाँ, नौकरी फॉल्स है, आशा देवी के उसी चित नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि नौकरी? हम जानते हैं। आप कैसे जानते हैं? हम जानते हैं, प्रूफ नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ से हमको मायके है उसके बगल में, किसी भी कारण से हम जानते हैं उसको, बैरीचक में जाती है पढ़ाने, बैरीचक में जाती है पढ़ाने, किसी भी कारण से वो फॉल्स है, अगर आदमी कोई जांच करके देखता है तो फिर मतलब समझेगा कि हम झूठ बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं, लेकिन उसका नौकरी फॉल्स है, इतना हम जान रहे हैं। आशा देवी नाम है उसका, पढ़ाई लिखा में आशा देवी कुछ नहीं जानती है,
बिल्कुल देख सकते हैं कि इस तरह से जो आशा देवी है वो नौकरी फॉल्स कर रही है, ऐसा कहना इनको आरोप लगाया है, लेकिन ये कितना तक सच है ये तो जांच की विषय है। लेकिन अभी आपको हम बता दें कि जिस तरह से मसौरी के थाना प्रभारी ने अभी तक इन महिला को केस नहीं लिया है, आपको बता दें कि किरी यादव अभी मसौरी में वर्तमान में वो जिला परिषद है और थाना के दलाली करते रहता है, अभी भी उनको यहाँ पे वर्चस्व बनी रहती है। लेकिन थाना इतना भी डर चुका है एक गुंडा किरी यादव से कि थाना प्रभारी तक केस लेने से इनकार कर रही है और कहती है लास्ट में कि हमें मैनेज करनी है। तो ऐसे में देख सकते हैं कि जो महिला पीड़ित है खुद बता आग मीडिया के सामने बताकर खुद कह दिया कि किरी यादव का ब्लॉगर कुत्ती है। अब ऐसे में देखने की बात यह है कि अब वरीय पदाधिकारी इस पर संज्ञान लेंगे। तो अभी तक के फिलहाल इतना ही, बन रही है रिपब्लिकन न्यूज पर। धन्यवाद। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।